वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, EBS में हम चैप्टर 6 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक स्टडी कर ली थी। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 30। द ऑयल्स वी यूज टू कुक कम फ्रॉम द सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। जो ऑयल्स हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट्स की सीड्स से एंड फ्रूट्स से। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, वेजिटेबल घी है और ऑलिव ऑयल है। ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट्स की सीड्स से या फिर फ्रूट्स से। सुगर कम्स फ्रॉम सुगर कैन। सुगर कहाँ से प्राप्त होती है हमें? सुगर कैन से, गन्ने से। तो ऐसे ही हमें खाने की कई सारी चीज़ें किससे प्राप्त होती हैं? प्लांट से ही प्राप्त होती हैं। ऐसे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम फ्रॉम प्लांट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से। वी कुक मोस्ट वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी वेजिटेबल्स बनाते हैं। वी ईट सम रॉ एज सैलेड, हम कुछ को कच्चा ही खाते हैं सैलेड की तरह। यू मस्ट वॉश सैलेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम। आपको सैलेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को खाने से पहले क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्थी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें हेल्थी बनाते हैं। वी मेक टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट। हम टी बनाते हैं, किससे बनाते हैं? टी प्लांट की लीव्स से। किससे बनती है? टी प्लांट की लीव्स से। वी मेक कॉफ़ी फ्रॉम द बीन्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट। और हम कॉफ़ी किससे बनाते हैं? कॉफ़ी प्लांट की बीन्स से। तो एक तरीके से क्या है, हमें कॉफ़ी, टी, ये सब भी किससे प्राप्त होती हैं? प्लांट्स से। तो प्लांट्स हमारे लिए क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रॉ एंड कुक्ड फूड, कच्चे और पका हुआ खाना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा ही खाते हैं, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं। तो सम फूड कैन बी ईटन रॉ एंड रिक्वायर्स नो कुकिंग। कुछ फूड हम कच्चे ही खाते हैं, उन्हें पकाया नहीं जा सकता। सम फूड नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग, और कुछ फूड को खाने से पहले पकाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि वेजिटेबल्स है, वाटर। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें प्रतिदिन 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। वाटर हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए। बॉइल और फिल्टर द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, और हमें पानी को पीने से पहले बॉइल करना चाहिए या फिर फिल्टर करना चाहिए। मील टाइम, खाना खाने का टाइम। द फूड दैट वी ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड अ मील। वह खाना जिसे हम एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक सही टाइम पे खाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मील। वी ईट 3 meals a day। हम एक दिन में कितनी मील्स लेते हैं? 3। कौन कौन से? एक ब्रेकफास्ट, एक लंच एंड एक डिनर। 3 meals लेते हैं ना। ब्रेकफास्ट इज द मॉर्निंग मील। मॉर्निंग में जो हम मील लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। लंच इज द आफ्टरनून मील। लंच जो हम आफ्टरनून में मील लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? लंच। डिनर
इज द इवनिंग और नाइट मील। डिनर क्या होता है जिसे हम शाम को या रात को खाते हैं। ए हेल्थी मील हैज ऑल टाइप्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। एक हेल्थी मील क्या होती है जिसमें सभी प्रकार का खाना होता है और एक सही मात्रा में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्थी मील। फैक्ट है, समटाइम कभी कभी वी ईट थिंग्स लाइक पोटैटो चिप्स, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स एज स्नैक्स। कभी कभी हम जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जैसे पोटैटो चिप्स, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, इनको हम क्या स्नैक्स की तरह खाते हैं। दीज आर जंक फूड, ये क्या है, जंक फूड है। ईटिंग टू मच जंक फूड इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। जंक फूड, ज़्यादा जंक फूड खाना हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड बनानास मेक स्नैक्स। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, बनाना, इनको स्नैक्स के रूप में खाया जाए। वी शुड ईट अ फ्रूट एवरी डे, हमें एक दिन में डेली एक फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। तो इससे हम इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं, कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स एंड हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए और किस प्रॉपर वे में हमें खाना चाहिए, इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है। ओके, ये आपका चैप्टर यही एंड होता है।